गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, मैं दिनेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सोडियम संस्थान पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे हाई स्कूल यानी कक्षा 10 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। केमिस्ट्री वैसे देखा जाए तो पूरा आपका विज्ञान एक ही बुक होती है, जिसमें केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स अलग अलग पोर्शन होते हैं, लेकिन बुक आपकी एक ही होती है। तो आपकी विज्ञान का पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, इनके बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जैसे कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें उपस्थित हैं, सब में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, सभी चीज़ों में कोई ना कोई परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक। तो ये जो परिवर्तन होते हैं, ये दो प्रकार के हो सकते हैं, कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं, कुछ भौतिक परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहले इन्हीं के आधार पर अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, कुछ भौतिक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले आप लिखेंगे, आप केवल अभिक्रिया लिखेंगे, पहले आप क्या लिखेंगे, अभिक्रिया, ठीक है। अभिक्रिया दो प्रकार की होंगी, कौन कौन सी हो जाएंगी, एक हो जाएगी भौतिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया, और एक हो जाएगी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक। इस तरीके से दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। अभिक्रिया, इसकी डेफिनेशन अगर आपको लिखनी हो तो लिख सकते हैं, पदार्थ में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन को ही अभिक्रिया कहा जाता है। किसी भी पदार्थ में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, अभिक्रिया कहलाता है। वो परिवर्तन भौतिक भी हो सकता है और रासायनिक भी हो सकता है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन क्या होगा या भौतिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, जब किसी पदार्थ में ऐसा परिवर्तन होता है जिससे कि उसकी केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक, उसकी केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, उसको भौतिक परिवर्तन या भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। भौतिक अवस्था में परिवर्तन का मतलब है कि उसका क्या होगा, अवस्था चेंज हो जाएगी। जैसे कि अगर वो द्रव में है तो द्रव से सॉलिड में हो जाएगा, सॉलिड से द्रव में हो जाएगा, या द्रव से गैस में परिवर्तन हो जाएगा। उसकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जो उसकी रासायनिक संरचना होगी, जो उसके अणु परमाणु होंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक। तो आप इसमें लिख सकते हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ की केवल अवस्था परिवर्तित होती है, भौतिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं, भौतिक अभिक्रियाएं, कहलाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया भौतिक अभिक्रियाओं की डेफिनेशन। इनमें क्या होता है, इन अभिक्रियाओं में आप ऐसे लिख सकते हैं, हाँ चलिए लिखते हैं, इन अभिक्रियाओं में पदार्थ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था
प्रारंभिक अवस्था में आ सकता है। ठीक, तो भौतिक अभिक्रियाएं वो होती हैं जिनमें पदार्थ की केवल अवस्था बदलती है। ठीक, द्रव से सॉलिड हो सकता है, सॉलिड से द्रव हो सकता है, ठीक, और द्रव से गैस में बदल सकता है। ठीक है, इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, पदार्थ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ सकता है। जैसे कि भौतिक अभिक्रिया का एक अच्छा एग्जाम्पल आपको दूं, जो द्रव होता है हमारा, जल होता है, जो जल होता है उसको जब हम ठंडा करते हैं तो बर्फ में बदल जाता है। ठीक है, तो जब वो जल के रूप में था तब वो द्रव था, अभी क्या था, द्रव के रूप में था, इसके बाद जब हमने बर्फ में जमा दिया तो हो गया वो सॉलिड, यानी कि द्रव से सॉलिड में तो बदला, लेकिन जब द्रव था तब भी H2O था, और जब बर्फ बन गया तब भी क्या है, H2O ही है। ठीक है, तो उसकी रासायनिक संरचना नहीं बदली, H2O पहले भी था, जब हम पीने वाला पानी होता है तब H2O होगा, और जब बर्फ बन जाएगी तब भी H2O ही होगा, फिर उस बर्फ को हम पिघलाएंगे तो फिर से पानी बन जाएगा। ठीक है, और उस पानी को जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो गैस में बदल जाएगा, यानी कि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है सिर्फ, और H2O वो उसी रूप में रहेगा। H2O जो है, ठीक है, जब ये द्रव रहेगा तब भी H2O ही होगा, और जब बर्फ बन जाएगा तब भी H2O ही होगा, यानी कि इसकी रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल इसकी अवस्था बदल रही है। ठीक, हम बर्फ को द्रव में बदल सकते हैं और द्रव को बर्फ में बदल सकते हैं, इसलिए बोला गया है कि ये पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी भौतिक अभिक्रियाएं जिनमें कि पदार्थ बदलता है और बदलने के बाद पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ सकता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। इसके बाद आप हेडिंग लगाइए रासायनिक अभिक्रियाएं, यही आपको पढ़ना है, आपके चैप्टर का नाम भी यही है, रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, आप हेडिंग लगाएंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इसमें आपको लिखना है वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें, वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ का, जिनमें पदार्थ का रंग, रूप, आकार, संरचना परमाणुओं की संख्या आदि सब कुछ बदल जाता है, आदि सब कुछ बदल जाता है, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहेंगे, वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ का रंग, रूप, आकार, संरचना, परमाणुओं की संख्या सब कुछ बदल जाता है, उसको रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक, इन अभिक्रियाओं में नीचे से आप लिख सकते हैं, इन इन अभिक्रियाओं में पदार्थ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाता है, पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाता है। ठीक,
तो इन अभिक्रिया में क्या होता है, एक बार जो पदार्थ परिवर्तित हो गया फिर वही बन जाएगा, दोबारा से वो अपनी उसी अवस्था में नहीं आएगा। जैसे कि आप देखते होंगे दूध था हमारे पास, दूध से क्या बन गया, दही बन गया। तो इस ये क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक, ये एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब दही से दोबारा दूध नहीं बन सकता है, तो इसको बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया। इसी प्रकार से लोहे में जंग लगना, आप उदाहरण लिखना हो तो आप उदाहरण में इसी तरीके के लिख सकते हैं, ठीक है। दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, ठीक है, और लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ठीक है। और भी बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं, भोजन का पचना हो गया, भोजन जब हम खाते हैं भोजन का पाचन हमारे शरीर में होता है, तो वो भी क्या होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन में सीधा क्या होता है, जो हमारा पदार्थ होता है वो जब बदल जाता है दूसरे पदार्थ में, तो पुनः उसी पदार्थ में वापस नहीं आ पाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन। इसके बाद हमें देखना है कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है इसके कितने भाग होते हैं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं और उनको क्या क्या कहते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के भाग, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर एक नॉर्मली सी छोटी सी अभिक्रिया लिखते हैं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया ले लेते हैं, हम मान लेते हैं आपका ये हो गया Mg+O2, और ये आपस में मिलकर के बनाया इसने MgO, ठीक। आप जानते होंगे इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम, ये क्या है, मैग्नीशियम है, ठीक, और ये क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक, और ये जो बन गया इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। तो इस तरीके की ये एक रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया में इस तरफ वाले भाग को क्या कहते हैं और इस तरफ वाले भाग को क्या कहते हैं, इनके अलग अलग नाम रखे गए हैं, ठीक है। तो इस तरफ वाला जो भाग है, इस तरफ वाला यानी कि बाएं साइड वाला, जो बाएं साइड वाला भाग होता है, इस वाले भाग को बोला जाता है अभिकारक। ये इस तरफ जो लिखे हुए हैं इनको क्या बोलते हैं, अभिकारक, ठीक है। ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। किसी भी अभिक्रिया में बाएं तरफ लिखे हुए सभी यौगिक या सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। और जो इस तरफ बनता है, ये अभिकारक आपस में क्रिया करके जो कुछ भी बनाते हैं उस सबको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो ये क्या बना हमारा, उत्पाद, ठीक है। जैसे कि हम लोग अपने घर में क्या करते हैं, कुछ भी बनाते हैं, रोटी वगैरह बनाते हैं, तो हमारा जो आटा होता है, आटा क्या हो गया, हमारा अभिकारक हो गया। इसके बाद आटे से हमारा क्या बन गया, रोटी बन गई। जब आटे से जब रोटी बन जाती है तो रोटी क्या है, उत्पाद है, ठीक है। जो क्रिया करते हैं, आटा हो गया, आटे में पानी मिलाते हैं, तो आटा और पानी क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा, और जो रोटी बन जाती है वो उत्पाद कहलाती है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिक्रिया को शुरू करते हैं और अभिक्रिया के बाएं तरफ लिखे होते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, और जो बन जाते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, इसमें यह अभिकारक और उत्पाद के बारे में आप जान गए। इसके बाद आप हेडिंग लगाइए, अब आप हेडिंग लगाएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग है जो आपके पेपर में आती ही आती है, इसको बोलेंगे हम संतुलित रासायनिक समीकरण, या फिर पहले आप समीकरण बस लिखिए, आप लिखिए रासायनिक समीकरण, ठीक। सबसे पहले आपको समझना है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है। अभी मैंने जो यहाँ पर लिखा हुआ था उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसकी अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा बनने वाले उत्पादों को संकेत के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। आप लिख लीजिए किसी भी अभिक्रिया में
भाग लेने वाले किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा बनने वाले उत्पादों के नामों को संकेत अक्षरों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक, तो ये रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन हो गई कि जो अभिकारक और उत्पाद किसी भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको संकेत के रूप में लिखना है हमें, ठीक है, उनको वाक्य के रूप में नहीं लिखना है। ठीक, जैसे कि ये यही वाली अभिक्रिया होती है, इसको अगर हम वाक्य के रूप में बोलेंगे तो बोलेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो इतना ज़्यादा ना लिखना पड़े, इसीलिए हम क्या करते हैं मैग्नीशियम का संकेत लिखेंगे और ऑक्सीजन का संकेत लिखेंगे। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान लगाएंगे, ठीक है, तीर का निशान लगाएंगे और जो कुछ बनेगा उसको भी हम संकेत के रूप में लिख देंगे। ठीक, इस तरीके से ये हो गया हमारा एक रासायनिक समीकरण। ठीक है, इसके बाद ये जो मैंने यहाँ पर दो लगाया और यहाँ पर दो लगा दिया, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, इसके बाद अभी आपको हेडिंग डालनी है संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण में आपको मैं समझाऊंगा कि ये दो दो तीन तीन ये सारी थी कैसे लगाती हैं, और संतुलित रासायनिक समीकरण आपके पेपर में आता ही आता है। दो नंबर या एक नंबर या तीन नंबर का आपको संतुलित करने के लिए एक अभिक्रिया दे देगा और उसको संतुलित करने के लिए आपसे पूछेगा। तो संतुलित रासायनिक समीकरण को आपको बहुत अच्छे से लिखना है। ठीक है, तो अब आप हेडिंग लगाएंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं संतुलित रासायनिक समीकरण, आप ये हेडिंग लगाएंगे। ठीक है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, इसकी आप डेफिनेशन लिखिएगा कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, एक नॉर्मल सिंपल सी डेफिनेशन है ये, आपको मैंने उसको किताबी भाषा में नहीं लिखाया हुआ है, किताबी भाषा में आप लिखते तो उसमें आपको समझ में भी नहीं आता, जिसमें कि क्या होता है अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है, इसको द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। ठीक है, आप सिंपल सी डेफिनेशन लिखिए कि अभिक्रिया में अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या जब बराबर होती है तो उसी को बोला जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे वही वाली रिएक्शन को हम लिखेंगे, अगर ये है
Mg+O2 और इसको मैंने यहां पर लिख दिया MgO। ठीक, अब आप ध्यान से देखेंगे यहां पर मैग्नीशियम कितना है, एक है, और यहां पर भी मैग्नीशियम एक है, लेकिन यहां ऑक्सीजन कितना है, दो है। देखो O2 लिखा हुआ है ना, ऑक्सीजन कितने हैं, दो परमाणु हैं, और इस तरफ ऑक्सीजन का भी एक परमाणु है। तो हमें क्या करना है, यहां भी ऑक्सीजन के दो परमाणु करना है। अब दो परमाणु करने के लिए आपको यहां पर दो नहीं लिखना है, यहां दो लिखेंगे तो गलत हो जाएगा वो। आपको क्या करना है, आप अपनी तरफ से जितनी भी संख्याएं लिखेंगे उनको हमेशा बने हुए यौगिक के सामने लिखेंगे, चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, आप कहां लिखेंगे, सामने लिखेंगे। कभी भी किसी के नीचे आप कोई संख्या नहीं लिखेंगे, अपनी तरफ से जो भी संख्या लिखेंगे वो नीचे नहीं लिखेंगे, सामने लिखेंगे। यहां लिखेंगे तो सामने लिखेंगे, यहां लिखेंगे तो भी सामने लिखेंगे। और ये जो संख्या सामने लिखी जाती है वो संख्या का इन सब में गुणा हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पे दो लिखा, तो अब इस दो का मतलब है कि मैग्नीशियम भी दो हो गए और ऑक्सीजन भी कितने हो गए, दो हो गए। ठीक है, इस तरफ ऑक्सीजन दो थे, हमने यहाँ दो का गुणा कर दिया, तो ये ऑक्सीजन भी कितने हो गए, दो हो गए। लेकिन इस दो का गुणा करने की वजह से मैग्नीशियम भी कितने हो गए, दो हो गए, और इस तरफ मैग्नीशियम कितना है, एक है, तो यहाँ पर हम दो का गुणा कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर मैग्नीशियम भी दो हो गए, मैग्नीशियम दो हो गए, यहाँ देखो दो का गुणा है ना इसमें, तो मैग्नीशियम दो हो गया, ऑक्सीजन इस तरफ दो है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन हमारे दो हो गए, क्योंकि इस जो दो का गुणा हमने किया है ये इसमें भी हो गया और इसमें भी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये अभिक्रिया हमारी संतुलित हो गई, दो मैग्नीशियम इस तरफ, दो इस तरफ, दो ऑक्सीजन इस तरफ, दो ऑक्सीजन इस तरफ। ठीक, इस तरीके से अभिक्रियाओं को संतुलित किया जाता है। अभी मैं कुछ अभिक्रियाएं और आपको दे रहा हूँ, उनको भी आप संतुलित करना सीखिएगा। ठीक है, जैसे कि यहां पर लिखा Fe+H2O। ठीक है, इससे बनेगा Fe3O4+H2। ठीक, ये एक अभिक्रिया लिखी हुई है, अब इसको आपको संतुलित करना है। आप कोशिश करिए इसको संतुलित करने की। ठीक है, तब तक मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसके बाद आप कोशिश करना। मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ अभिक्रियाएं दे दूंगा, उनको आप करिएगा। ठीक है, इसमें आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर Fe को देखें। ठीक है, Fe आयरन होता है, ये आयरन कितना है, यहाँ पर एक है, और इस तरफ आयरन कितना है, तीन है, जिसके नीचे संख्या लगी हुई है उतना ही कहलाता है। ठीक, तो यहाँ Fe एक है और यहाँ Fe कितना है, तीन है, तो हमें यहाँ भी Fe को तीन करना पड़ेगा। यहाँ तीन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीन का गुणा करेंगे, यहाँ तीन नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ तीन का गुणा करेंगे, तो अब हमारे पास Fe कितने हो गए, इस तरफ तीन, इस तरफ कितने हो गए, तीन। Fe के बाद हम H2 देखते हैं, हाइड्रोजन H2 यहाँ पर कितने हैं, दो है ना, हाइड्रोजन देखेंगे आप यहाँ पर दो है, और इस तरफ हाइड्रोजन कितना है, देखो इधर भी हाइड्रोजन दो है, तो हाइड्रोजन यहाँ दो है और इस तरफ भी दो है, हाइड्रोजन तो बराबर है। इसके बाद ऑक्सीजन को देखते हैं, इस तरफ ऑक्सीजन कितना है, एक है सिर्फ, और इस तरफ ऑक्सीजन देखो आप चार हैं। ठीक, तो यहाँ का ऑक्सीजन एक है और यहाँ का ऑक्सीजन चार है। अब इस तरफ हमें ऑक्सीजन कितने करने पड़ेंगे, चार ऑक्सीजन बनाना है। अब यहाँ पर हमें चार ऑक्सीजन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर चार का गुणा कर दें, नहीं, यहाँ चार का गुणा नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर चार का गुणा करेंगे। ठीक, यहाँ पर हम चार लिख दिया, तो इसका मतलब हो गया कि ऑक्सीजन अब कितना हो गया हमारा, चार हो गया। ठीक, ऑक्सीजन इस तरफ चार है और इस तरफ भी ऑक्सीजन कितना हो गया, चार हो गया। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे, मैंने बताया था कि जिस संख्या का गुणा किया जाता है तो वो दोनों में हो जाता है, जितने भी परमाणु होते हैं उन सब में गुणा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे ऑक्सीजन एक था, एक का गुणा चार में किया तो ऑक्सीजन हो गए चार, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, दो है, दो का गुणा चार में होगा तो हाइड्रोजन हो गए आठ। अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, आठ हो गए, इस तरफ हाइड्रोजन अभी कितने हैं, दो हैं। ठीक, तो दो में कौन सी संख्या का गुणा करें कि चार आठ हो जाए, क्योंकि तो यहाँ आठ है ना, यहाँ पर अगर हम चार का गुणा कर दें, इसमें हम चार लिख देंगे तो चार दूनी आठ हाइड्रोजन हो गए, है ना, देखो चार दूनी आठ हाइड्रोजन हमारे पास हो गए, और यहाँ पर भी चार दूनी आठ हाइड्रोजन, तो आठ हाइड्रोजन यहाँ, आठ हाइड्रोजन यहाँ, ऑक्सीजन देखो चार एकम चार। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, चार एकम चार, चार ऑक्सीजन इधर है और इधर कितने हैं, चार, तो यहाँ भी चार ऑक्सीजन, यहाँ भी चार ऑक्सीजन। Fe देखो यहाँ पे तीन है, यहाँ पर भी तीन है, इसका मतलब ये अब अभिक्रिया हमारी संतुलित हो गई। ठीक,
इस तरीके से संतुलित किया जाता है, यह अभिक्रिया संतुलित हो गई है। ठीक है, इसके बाद आपको मैं एक अभिक्रिया और दे रहा हूँ, आप इसको भी लिखिएगा, संतुलित करिएगा आप, जेड एन ओ प्लस एच टू एस ओ फोर। ठीक, जब ये क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, इसमें बनेगा जेड एन एस ओ फोर प्लस एच टू ओ। ठीक, आप इस अभिक्रिया को संतुलित करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप इसको संतुलित करिए, मैं आपको बताता हूं इसके बाद। ठीक है, आप इसमें क्या करना है, परमाणुओं की संख्या हमें दोनों तरफ काउंट करनी है बस, और कुछ नहीं करना है। यहां हम सबसे पहले देखेंगे Zn को, Zn हमारे पास कितना है, एक है, और इस तरफ भी Zn कितना है, एक है, तो Zn में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसके बाद हम ऑक्सीजन को देखेंगे। ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन एक है। ठीक है, अब आप इसको सोच रहे होंगे कि ये भी ऑक्सीजन है। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, इसको याद रखना है कि SO4 जो होता है ये पूरा एक साथ रहता है, इसको हम SO फोर गिनेंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं गिनना है तो आप चार भी अकेला ऑक्सीजन गिन सकते हैं, आप इसको आप चार गिन सकते हैं या फिर एसओ फोर के रूप में गिन सकते हैं। अच्छा, आप इसको ना गिन करके आप ऑक्सीजन को ही गिन लीजिए। यहाँ ऑक्सीजन एक है और चार इधर है, तो चार